मैटर कुछ ऐसा है, आज का शेड्यूल है थोड़ा बिजी, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे। गाइस मैं जाने वाला हूँ अभी एटीएम, वहाँ से कुछ पैसे निकालूँगा, सैलरी आ चुकी है, पैसे निकालूँगा, रूम रेंट दूँगा और इधर कैफेटेरिया पे मैं मंथली मतलब कर रखा हूँ खाना खाने का, तो वहाँ पे मंथली जो भी हिसाब बनता है मैं उसका दूँगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कैफेटेरिया मतलब होता क्या है। कैफेटेरिया मतलब छोटा सा रेस्टोरेंट कह लो या फिर छोटा सा होटल टाइप का कह सकते हो या फिर मेस भी कह सकते हो। कि आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक्साइटेड की वजह से कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं होती, बट इस बार 100% रिकॉर्ड होती। दोस्तों दुबई का एटीएम भी सेम टू सेम इंडिया के जैसा ही होता है। अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में इंसर्ट करेंगे, कुछ समय के लिए आपका प्रोसेस होगा, कुछ समय वेट करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करने का आएगा तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें और अपना 4 अंकों का डिजिट पासवर्ड उस पर पिन करें। उसके बाद में पूछेगा कैश विद विड्रॉल पर क्लिक करें, कितना पैसा निकालने हैं उस पर क्लिक करें, रिसिप्ट चाहिए तो रिसिप्ट पर क्लिक करें और फ्यू सेकंड का वेट करेंगे, बस इतना ही इजी है पैसे निकालना। और मैं आप लोगों को बहुत ही जानकारी वाली चीज़ बताना चाहूँगा, अभी आप लोग देखेंगे जो ये पैसे निकलता है, अगर आप कुछ समय तक नहीं निकालेंगे तो ये जैसे आप देख सकते हैं कुछ समय तक अगर नहीं निकालेंगे तो बैक वापस फिर से मशीन में चला जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप पैसे निकालने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें तुरंत निकालने, नहीं तो फिर सम टाइम प्रॉब्लम भी हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। दोस्तों अगर आप दुबई के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, टॉपिक सजेस्ट करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।